NVMe SSDs फास्टर होती हैं SATA SSD से, ये तो सब बोलते हैं, बट ऐसा क्यों है? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता होगी। SATA SSD एक बच्चा था जो कि सिंगर बनना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स ने उसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवा दी। और वहीं NVMe एक क्रिकेटर बनना चाहता था और उससे पूरे घर का सपोर्ट मिला और वो एक अच्छा क्रिकेटर बन चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, पोटेंशियल उन दोनों में ही था और पोटेंशियल सिर्फ NVMe यूज़ कर पाया। तो चलिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, और आज इस चीज़ को समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे Acer RE100 SATA SSD और Acer FA100 जो कि एक NVMe SSD है। ये दोनों ही 1TB SSDs हैं और इनका ही यूज़ करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। NVMe वर्सेस SATA SSD के पहले हमें समझना पड़ेगा फ्लैश मेमोरी वर्सेस मैकेनिकल मेमोरी। मैकेनिकल मेमोरी मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं। आज आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हो गए इनसे, बट एक टाइम पे इनका ही जलवा था। जलवा है हमारा। हार्ड डिस्क में माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइज मेटल ग्रेन्स होते हैं और वो मैग्नेटिक पैटर्न्स के जरिए डेटा को स्टोर करते हैं, और वहीं फ्लैश मेमोरी में इलेक्ट्रॉन्स के जरिए डेटा को स्टोर किया जाता है। फ्लैश मेमोरीज काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी, और जो हमारी SSDs होती है ना वो फ्लैश मेमोरीज ही होती हैं। अब हम फिर से आते हैं SATA SSDs और NVMe SSDs पे। SATA SSDs में SATA पोर्ट के जरिए डेटा ट्रांसफ़र होता है और NVMe SSDs में PCIe पोर्ट के जरिए डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आप पूछोगे ये M.2 क्या होता है? M.2 है एक फॉर्म फैक्टर, आप इसे PCIe स्लॉट का साइज़ कह सकते हो। तो यही एक चीज़ है जो इन SSDs में मेन डिफरेंस क्रिएट करती है, इनका पोर्ट। टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हें बस भी कहते हैं। तो इन बसेस का ना काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले पेटा पोर्ट वाली हार्ड डिस्क आती थी, फिर उसके बाद SATA पोर्ट वाली हार्ड डिस्क आई। SATA जो टेक्नोलॉजी है वो हार्ड डिस्क के लिए एक अपग्रेड था वो टाइम के लिए, बट ये SSDs के लिए एक डाउनग्रेड था। तो ये हार्ड डिस्क में यूज़ होने वाले SATA पोर्ट्स को SSDs में भी यूज़ किया गया, जिसे हम SATA SSDs कहते हैं। बट यहाँ पे ये SATA पोर्ट के वजह से ना जो SSDs की फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी है वो बॉटलनेक हो रही थी, मतलब उनका जो पूरा पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं हो रहा था। बट फिर PCIe टेक्नोलॉजी आया जिसमें फुल पोटेंशियल यूज़ हुआ SSDs का, और इन SSDs को NVMe SSDs कहने लगे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो SATA में 600 Mbps तक स्पीड ट्रांसफ़र हो सकती है, और वहीं PCIe की बात करूं तो वहां पे आपको 5000 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल सकती है। SATA SSD जहां पे 32 कमांड्स पर क्यू पे ऑपरेट करती हैं, और वहीं NVMe SSD 65000 कमांड्स पर क्यू पे ऑपरेट करती हैं। तो आप नंबर से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि PCIe टेक्नोलॉजी से फ्लैश मेमोरी का पोटेंशियल कितना अच्छे से यूज़ होता है। सो हमें पता चल गया है कि क्या डिफरेंस है SATA और NVMe SSDs में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पे हमारे पास है Acer की RE100 1TB की SATA SSD, और वहीं पे हमारे पास है Acer की FA100 NVMe SSD। तो यहाँ पे आप इनके कुछ बेंचमार्क्स देख सकते हो। सो सबसे पहले ना हम क्रिस्टल डिस्क मार्क रन करेंगे। इसमें डिफरेंट सीक्वेंस के थ्रू ये स्पीड को चेक करता है। तो आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या स्पीड आपको NVMe और क्या स्पीड आपको SATA में मिल रही है। सो इस नेक्स्ट बेंचमार्क जो हम रन करने वाले हैं वो है AES SSD बेंचमार्क। इस बेंचमार्क का भी साइड बाय साइड आप कंपैरिजन देख सकते हो NVMe और SATA SSD में। आप इनके सारे स्कोर्स देख सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखनी है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो, या फिर आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं ना। बिग शाउट आउट टू Acer जिन्होंने ये SSDs भेजी हैं, जिनके वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुआ है। अगर आप इन SSDs को बाय करना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर उसे चेक कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।